नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में समर्थ एकेडमी में। आज हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट की। चलिए देखते हैं आज का सेशन किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है। सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, उसके कंसेप्ट की, उसके रिलेटेड क्या क्या फार्मूलाज और रूल्स हैं। फिर हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट, उसकी डिफरेंट वेरिएशंस, किस किस प्रकार से वो पूछा जा सकता है, उसका यूसेज। एंड फाइनली हम बात करेंगे एग्ज़ाम रेलेवेंस, क्या क्या उसके जो रूल्स हैं वो किस तरह से हमारे को क्वेश्चंस में सहायता देंगे। चलिए एक बार सिंपल इंटरेस्ट से अपना सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट के तीन कंपोनेंट्स हम यहाँ पे देख सकते हैं, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम। प्रिंसिपल डिनोटेड बाई पी, विच इज़ द इनिशियल सम जिसको हम कंसिडर करते हैं इस इंटरेस्ट के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि हमें यूजुअली एनुअल के रेट में दिया जाता है, दैट इज़ द रेट एट विच द प्रिंसिपल इंक्रीजेस। सो सिंपल इंटरेस्ट के केस में इट इंक्रीजेस एट अ लीनियर रेट, एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में वो इंक्रीज कंपाउंडेड होता है, एज द नेम सजेस्ट, राइट। एंड टी इज़ द टाइम होराइजन ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट एंड कैलकुलेशन। अब यहाँ पे इन नेम्स की जो रेलेवेंस है वो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइनेंशियल क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। किसी भी शेप और फॉर्म में जहाँ पे भी कुछ चीज़ें चेंज हो रही हैं, पर एनम देयर इज अ चेंज, नेक्स्ट ईयर देयर इज अनदर परसेंटेज चेंज एंड सो ऑन, बीट प्राइस, बीट पॉपुलेशन, बीट एनीथिंग, तो इसके मल्टीपल यूसेजेस आपको क्वेश्चन में आने वाले स्लाइड्स में दिख जाएंगे। चलिए, तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए जो हमारा रेट है, जो कि विच इज़ द बेसिस ऑफ एवरीथिंग, दैट रेट, दैट फार्मूला इज पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, जहाँ पे आर हमारे को परसेंटेज में दिया होगा, टी ईयर्स में दिया होगा और पी किसी भी करेंसी में दिया होगा। तो सिंपल इंटरेस्ट उस करेंसी में हमारे पास इस प्रकार से निकल जाएगा। अमाउंट विच इज़ द सम ऑफ प्रिंसिपल एंड ये इंटरेस्ट, वो निकलेगा इस प्रकार, पी प्लस एस आई। इस फार्मूला को अगर हम रिवर्स आउट करें और एस आई का फार्मूला यहाँ पर खोल दें, तो हमारे पास पी का फार्मूला बनता है ए इंटू 100 डिवाइड बाय आर इंटू टी प्लस 100, ठीक है। अब देखते हैं रूल्स। तो हमारे पास रूल्स क्या क्या बनते हैं। सबसे पहला हमारे पास जो रूल आ जाता है वो है कि सम ऑफ मनी एन टाइम्स बन जाएगा टी ईयर्स में। अगर हमारे को क्वेश्चन बोलता है कि अ सम बिकम्स एन टाइम्स, टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, वट एवर इन टी ईयर्स, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, आर इज इक्वल टू 100 ब्रैकेट ओपन एन माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय टी परसेंट, ठीक है। तो ये परसेंटेज फॉर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेकेंड रूल हमारे पास है प्रिंसिपल अमाउंट्स टू ए वन इन टी वन ईयर्स एंड ए टू इन टी टू ईयर्स, ठीक है। यहाँ पे नंबर्स अज्यूम करके चलते हैं। अगर हमें कहा गया है कि A1 इज़ द अमाउंट इन T1 ईयर्स, यानी लेट से 2000 अमाउंट हमारा बन जाता है दो साल, ठीक है। और A2 के लिए हम वैल्यू अज्यूम कर लेते हैं 2500 तीन साल में, ठीक है। तो एंड अगेन दीज आर जस्ट अज्यूम नंबर्स हियर। तो हमारे पास प्रिंसिपल का जो अमाउंट है निकालने के लिए हमें रेट डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं करना होगा, हम इन्हीं नंबर्स की यूज़ से वो रेट निकाल सकते हैं। तो वो क्या होगा, A1 T2 मल्टीप्लाई बाय T1 A2, ठीक है, डिवाइड बाय T2 माइनस T1 विच इज 2 माइनस 3 विच इज 1। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2000 इंटू 3 6000 माइनस 2500 इंटू 2 5000। तो सम अमाउंट हमारे पास आ जाएगा इस केस में 1000 रुपीज़। तो ये अज्यूम्ड केस में हमारे पास जो आंसर निकला वो इस प्रकार से निकल जाएगा। रेट निकालने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, जो कि हम निकाल सकते हैं बट सिंपलर फॉर्मूला। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर इसी केस में निकालना हो तो वो होगा 100 A2 माइनस A1 डिवाइड बाई A1 इंटू A2 माइनस A2 इंटू A1। तो इसका सिमिलरली क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो इसका डिनोमिनेटर बनेगा और ऊपर हमारे पास सम का डिफरेंस आएगा 2000 माइनस 2500, ठीक है।
थर्ड रूल है, एट सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इफ सम बिकम्स एन वन टाइम्स इन टी वन ईयर्स एंड एन टू टाइम्स इन टी टू ईयर्स देन टी टू इज इक्वल टू एन टू माइनस वन डिवाइड बाय एन वन माइनस वन मल्टीप्लाई बाय टी वन ईयर्स। ठीक है, इसकी एप्लीकेशन हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के कंसेप्ट की। कंपाउंड इंटरेस्ट का जो कंसेप्ट है वो इस प्रकार से अलग है कि इसमें हर साल जो ये इंटरेस्ट अप्लाई होगा अलग अलग अमाउंट का होगा। तो अगर पहले साल में मेरा सिंपल सा केस लेते हैं, 100 का अमाउंट 10% इंटरेस्ट पे, अगर मैं पहले साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ तो मेरे पास 10 आएगा। लेकिन दूसरे साल का जो इंटरेस्ट है सिंपल इंटरेस्ट के केस में, वो हर साल इंटरेस्ट सेम ही रहेगा अगर अमाउंट सेम है, प्रिंसिपल सेम है। लेकिन इसके केस में हर साल प्रिंसिपल भी चेंज होता रहता है, बेसलाइन चेंज होती रहती है। इसका मतलब दूसरे साल में हमारा जो इंटरेस्ट होगा वो होगा 110 के ऊपर, यानी 11। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट है। आगे चलते हैं। तो फॉर्मूला हमारे पास किस तरह से आता है इसका। अगर हमारे पास पी आर टी सेम फॉर्म में दिए गए हैं तो हमारा फॉर्मूला बनता है पी 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर टी माइनस 1। तो ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा माइनस 1 बिकॉज हम ओरिजिनल अमाउंट माइनस कर रहे हैं। अगर हमें टोटल अमाउंट निकालना है विच इज़ प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो हम निकालेंगे पी 1 प्लस आर बाय 100 रेज टू द पावर टी, तो ये माइनस 1 हट जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं रूल 2 की। इफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली देन रेट जो है वो हमारा आधा हो जाएगा और टाइम फ्रेम जो है हमारा डबल हो जाएगा। उतनी सी बात है। तो अगर 20% पे मैं 2 साल के लिए कैलकुलेट करना है या 4 साल के लिए कैलकुलेट करना है तो 20% 4 साल इज सेम एज 10% 8 साल। ठीक है, नंबर से जब आप इसको इमेजिन करेंगे तो आप क्लियरली देख पाएंगे कि उसमें कोई भी फर्क नहीं है। रेट डिवाइड बाय 2 और टाइम फ्रेम डबल हो जाएगा क्योंकि हर आधे साल में उसके ऊपर आधा रेट लगेगा और अमाउंट जिसके ऊपर वो इंटरेस्ट फर्दर लगना होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, अमाउंट इस केस में सेम, रेट का हाफ और टाइम का डबल, नथिंग एल्स। थर्ड रूल कहता है इफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली तो ये 4 times हो जाएगा एंड सेम यू कैन अप्लाई फॉर एनी नंबर ऑफ परम्यूटेशंस। रूल 4 कहता है कि इंटरेस्ट अगर कंपाउंड होता है एनुअली एंड टाइम इज इन फॉर्मेट टी ए बाई बी तो हमें इस प्रकार से निकालना होगा कि जो तो टी ईयर्स कंप्लीट दिए गए हैं उनका तो नॉर्मल फार्मूला, बाकी जो बचा हुआ ईयर का कुछ हिस्सा है उसको हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करेंगे, ए प्लस 1 प्लस ए बाय बी, यानी जो बचा हुआ साल का हिस्सा है लेट्स से 2/3, तो 1 प्लस 2/3 इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी दिया गया डिवाइड बाय 100। तो ओरिजिनल हमारा जो मल्टीप्लायर है उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे एंड माइनस 1 जो हमारा कस्टमरी फार्मूला में है ही। ठीक है, सिमिलरली अमाउंट का फॉर्मूला इस प्रकार से बनता है। ठीक है, रूल 5 हमारा कहता है व्हेन रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर T1, T2, T3 इज R1, R2, R3 देन हर साल का सेम मल्टीप्लायर इस प्रकार से बन जाएगा हमारे लिए, प्रिंसिपल इंटू मल्टीप्लायर 1 इंटू मल्टीप्लायर 2 इंटू मल्टीप्लायर 3। ठीक है, एंड यहाँ पे T1, T2, T3 का अगर काउंट इंक्रीज होता है तो सिमिलरली हम यहाँ पे उनकी पावर्स बढ़ा देंगे, दैट्स इट। ठीक है, चलिए रूल 6 क्या कहता है। रूल 5 से आप उसकी एप्लीकेशंस को काफ़ी जगह बढ़ता हुआ भी देख सकते हैं, आपको आगे क्वेश्चंस में दिखेगा कि किस प्रकार से ये दूसरे कंसेप्ट में, फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस या फिर नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन अ कल्चर और स्टफ लाइक दैट, इस प्रकार के काफ़ी सारे रियल लाइफ क्वेश्चंस, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स में भी इसका एप्लीकेशन किया जा सकता है। ठीक है, रूल 6 क्या कहता है कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस जब पी और आर सेम दिए गए हों तो 2 साल में पी आर स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर एंड 3 साल में पी आर स्क्वायर 300 प्लस आर डिवाइड बाय 100 क्यूब। ठीक है, बट ये कैलकुलेट करना आपको उस समय हो सकता है ऑप्शंस के बेसिस पे ज़्यादा इजी रहे, तो हर वक्त रूल के बेसिस पे नहीं जाना है, कुछ जगह पर हम ऑप्शंस के बेसिस पे खेलेंगे। ठीक है, देन रूल 7 हमारा कहता है कि इफ़ ए आई इज़ द अमाउंट इन ईयर एन, ए टू इज़ द अमाउंट इन ईयर एन प्लस 1 then rate of compound interest is equal to a2 minus a1 upon a1।
ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से हम यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकाल सकते हैं बिना ज़्यादा कैलकुलेशन में कुछ, ए टू माइनस ए वन डिवाइड बाई ए वन, ठीक है, जब भी हमारे पास कंजेक्यूटिव ईयर्स का अमाउंट दे रखा, और सम निकलेगा हमारा ए वन मल्टीप्लाई बाई ए वन बाई ए टू रेज टू पावर एन, जितना भी हमारे ये एन ईयर्स प्रोवाइडेड है, ठीक है। रूल एट जो कि फाइनल रूल है हमारा, वो कहता है कि इफ़ करंट वैल्यू ऑफ आर्टिकल इज पी, अगेन तो ये हम सिंपल इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट यहाँ पर लगा रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑफ अ वैल्यू में, तो रेट हमारा सिंपली नेगेटिव हो जाएगा। इफ रेट ऑफ आर्टिकल इज पी एंड इट डेप्रिशिएट्स एट द रेट ऑफ आर परसेंट पर है ना, देन वैल्यू ऑफ आर्टिकल आफ्टर टी ईयर्स इज एग्जैक्टली द सेम फॉर्मूला, जस्ट दैट रेट विल बी माइनस ईयर वन माइनस, तो अगर हमारा 10% से कटौती होगी तो हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या बनेगा 0.9, ठीक है। वैल्यू ऑफ आर्टिकल टी ईयर्स अगो इज इक्वल टू पी वन माइनस आर इज टू पार टी, ठीक है, तो उसका इसी प्रकार से हम रेसिप्रोकल लेकर वो ईयर को निकाल सकते हैं। चलिए अब आते हैं मेरे फेवरेट सेक्शन यानी क्वेश्चंस पर। तो क्वेश्चंस में हमारे पास 5 क्वेश्चंस हैं जो कि एग्ज़ाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं, जो यहाँ पे मैंने छांट कर आपके लिए लाए हैं। इन सब का सॉल्यूशन हम अगले कुछ स्क्रीन्स पे देखेंगे। अगर आप इन क्वेश्चंस को खुद से एक बार सॉल्व करना चाहते हैं तो वीडियो पॉज कर लीजिए या फिर स्निपेट लेकर इनको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए, बिकॉज अगले स्क्रीन पर इनका सॉल्यूशन भी दिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहला सवाल, अ सम ऑफ मनी कंपाउंडेड एनुअली डबल्स इटसेल्फ इन 5 ईयर्स, इन हाउ मेनी ईयर्स वुड इट बिकम 4 टाइम्स इटसेल्फ, ठीक है। सी आई के कंसेप्ट में, जो कि मैंने आपको पहले भी समझाया अभी सी आई बताते समय, कि सम एक पर्टिकुलर मल्टीप्लायर से हर साल मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो हर साल का मल्टीप्लायर लेट्स जस्ट कॉल इट एम, तो मल्टीप्लायर हर साल सेम रहेगा। तो अगर 5 साल है तो 5 साल का मल्टीप्लायर हमारा बन जाएगा m रेज टू द पावर 5, ठीक है। अगर p मल्टीप्लाई बाय m टू द पावर 5 हमारा p को डबल बना देता है, यानी m टू द पावर 5 इज इक्वल टू 2, इट इंप्लाइज m टू द पावर 5 इज इक्वल टू। अब हमें कहा गया है कि इसको 4 कैसे बनाया जाए, तो हमें फाइंड करना है m की कौन सी पावर 4 होगी। तो हमें पता है 2 की पावर 2 जो होती है वो होती है 4, तो m टू द पावर 5 अगर हम इनको दोनों साइड को स्क्वायर करें तो हमारे पास आ जाएगा 10, ठीक है। इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, हम सिंपली लॉजिक से चलकर 2-3 तरीकों से इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं कि अगर 5 साल में डबल हो रहा है तो 10 साल में हमारा जो है ये 4 गुना हो जाए, ठीक है। आगे चलते हैं। इफ़ अ सम ऑफ मनी वॉज इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 5 ईयर्स एट अ सर्टेन रेट, रेट इज़ नॉट नोन, हैड द रेट बिन 5% मोर इट वुड हैव फेस्ट 500 मोर, वट इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमने कंसेप्ट समझते टाइम ध्यान से ये देखा कि सिंपल इंटरेस्ट इज अ परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल पर एनम, ठीक है, तो वो सेम परसेंटेज हर साल उसमें आता रहेगा। अगर ये परसेंटेज चेंज होती है तो सिंपल इंटरेस्ट भी उसी प्रोपोर्शन में चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू अमाउंट, ठीक। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो सेम होगा चेंज इन सिंपल इंटरेस्ट के लिए भी, यानी P into change in R into T divided by 100 will be equal to R principal, ठीक है। तो ये क्या निकल आता है 500 into 4 which is 2000, तो हमारा ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स इन अ बुकलेट इन इज n, फर्स्ट ईयर में देर इज एन इंक्रीज ऑफ x परसेंट, सब्सिक्वेंट ईयर में देर इज अ डिक्रीज ऑफ x परसेंट, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ ईयर 2 व्हाट विल बी द नंबर ऑफ आइटम्स इन दिस बुकलेट, अच्छा सवाल है, अगर कंसेप्ट क्लियर है तो इसको सोच दोहराए नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का एक बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, राइट। तो अगर हम यहाँ पे एक परसेंटेज अज्यूम करके चलते हैं, लेट्स से 10%, तो
रूल 5 ऑफ सीआई जो हमने अभी कर रहे हैं वो क्या कहता है कि एन टू इज इक्वल टू एन वन प्लस आर वन बाय 100 मल्टीप्लाई बाय वन प्लस आर टू बाय 100। ठीक है, अगर दो हमारे को अलग अलग रेट दिए गए हैं तो दोनों रेट्स का हमारे को एक एक मल्टीप्लायर मिल जाएगा। ठीक है, तो प्रिंसिपल अगर हम यहाँ पे प्रिंसिपल की जगह एन मान के चल रहे हैं तो हमारे पास दो साल बाद जो अमाउंट होगा वो हमें मिल जाएगा एन को मल्टीप्लाई करके किससे 1.1 जो कि पहले साल का इंक्रीज हो गया एंड 0.9 जो कि दूसरे साल का डिक्रीज हो गया विच इज़ इक्वल टू 0.99 टाइम्स एन। ठीक है, जो कि एन से छोटा है, यानी हमारा दो साल बाद जो नंबर आएगा वो एन से छोटा होगा, यानी ऑप्शन ए। ठीक है, आगे चलते हैं। प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इंक्रीज बाय 20%, आर्टिकल वाई इंक्रीज बाय 10% एवरी ईयर। 2010 बेसलाइन हमारे को दी गई है, प्राइस ऑफ एक्स इज 5000, वाई इज 2000। इन विच ईयर वुड द प्राइस डिफरेंस एक्सीड 5000। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, राइट। तो ऑप्शंस हमारे पास 2, 3, 4 और 5 है, कंसेक्यूटिव हैं। हमारे को निकालना है कि पहली बार कब वो डिफरेंस 5000 को पार किया। तो हम सिंपली 2 से स्टार्ट कर सॉल्व करना शुरू करेंगे, बिकॉज हमें पहली बार देखना है कि कब वो डिफरेंस 5000 से ज़्यादा होगा। एफएक्स अगर हम देखें तो वो है 5000 इंटू 1.2, यानी 20% का इंक्रीज पर एनम रेज टू पार एन। ठीक है, जो हमें फार्मूला दिया गया था उसको मैं यूजुअली इस फॉर्म में लिखना बेहतर प्रेफर करता हूँ, सॉल्यूशन थोड़ा इजी रहता है, कैलकुलेशंस में भी थोड़ा समझने में थोड़ा इजी रहता है, बिकॉज नंबर ऑफ आइटम्स इज लेस हियर। सिमिलरली एफ वाई इज इक्वल टू 2000 टू 1.1, यानी 10% का इंक्रीज पर एनम रेज टू बार एन। ठीक है, अब अगर हम ऑप्शन ए के साथ जाते हैं, राइट, तो हमारे पास कितना डिफरेंस आता है, 5000 इंटू 1.44 यानी 1.2 का स्क्वायर माइनस 2000 इंटू 1.21 यानी 1.1 का स्क्वायर विच इज 4780। ठीक है, ये माइनस करके इतना आता है जो कि 5000 से कम है। ऑप्शन बी पर आते हैं, तो ऑप्शन बी में हमारे पास इसको फर्दर 1.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आएगा 1.782 इंटू 5000 8640। सिमिलरली 2000 को मल्टीप्लाई करेंगे 1331 विच इज 1.1 का क्यूब, तो ये आ जाता है हमारे पास 2662। इन दोनों का डिफरेंस आता है 5978, यानी समवेयर बिटवीन ईयर 1 एंड 2 ये डिफरेंस जो है वो 5000 से बढ़ जाएगा। तो हमारा आंसर क्या बन जाता है, ऑप्शन बी। क्लियर, लास्ट सवाल पे चलते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर टू डिफरेंट स्कीम्स इज सेम 20%। इन वन स्कीम रेट ऑफ इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली, इन अदर इट इज कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो ये हमारे पास वही सेमी एनुअली और एनुअली का कंसेप्ट आ जाता है जो मैंने अभी थोड़ी टाइम पहले डिस्कस किया था ड्यूरिंग द टॉपिक इटसेल्फ। ठीक है, तो हमारे को यहाँ पर इतना क्लैरिटी होना चाहिए कि जो चेंज इन सम है, चेंज इन अमाउंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारा जो ये गिवन अमाउंट है उससे। ठीक है, विच मीन्स हमें ऑप्शंस के हिसाब से यहाँ पर चलना होगा। ऑप्शन ए कहता है 10,000, बी कहता है 16,000, सी इज 20,000 एंड डी इज 24,000। अब हमें ये यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अगर हम अजम्पशन के साथ चलते हैं और वो अजम्पशन गलत होती है, देन वी विल बी एबल टू मेक आउट कि वो अजम्पशन कितने मल्टीपल से गलत थी, एंड देन वी विल बी एबल टू अराइव एट द करेक्ट ऑप्शन। सो लेट्स से वी कैन वी स्टार्ट विद अजम्पशन कि 10,000 इज द करेक्ट आंसर। तो अगर अमाउंट हमारा 10,000 होता है तो हमारा सी आई एट सेमी एनुअल फॉर आर फॉर टू ईयर्स विल बी आधा इसका रेट हम कर देंगे, 20 का आधा हो जाएगा 10 और 2 का डबल हो जाएगा 4। तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 1.1 रेज टू पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10,000 विच इज 14641। ठीक है, एंड दूसरी स्कीम जो कि बेसिक वाली थी उसमें हमारा इंटरेस्ट बनेगा 1.2 का स्क्वायर इंटू 10,000 विच इज 14400। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस अगर हम निकालेंगे तो आता है 241। अब इस डिफरेंस को हम एक्चुअल क्वेश्चन में दिए गए डिफरेंस से कंपेयर करें तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि ये क्वेश्चन में दिया गया जो सम है उसका आधा है, यानी हमने जो अजम्पशन करी थी अमाउंट की वो अमाउंट एक्चुअल अमाउंट से आधा है, विच मीन्स हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, 1000 इंटू 2
इक्वल टू 20,000, ऑप्शन सी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज के सेशन में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिली होगी। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ गुड रेस्ट ऑफ डे, बाय बाय।